Hey guys, what's up and welcome back to Gravity Circle. और class 12 के students, क्या परेशानी है surface chemistry की? चलो तो आज से शुरू करते हैं फटाफट पढ़ना surface chemistry. Guys, एक काम और करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे questions वगैरह भी solve करने की. तो surface chemistry साथ साथ पढ़ाता जाता हूँ और hopefully guys आप लोगों के लिए मैं कुछ questions भी solve करवाऊँगा. तो देखते हैं कि वो सीरीज कब से बनाना स्टार्ट करता हूँ, बट मैं जल्दी कोशिश करूंगा इस मंथ में करवा देने की, क्योंकि मार्च में तो एग्जाम ही है. तो गाइस बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की. व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? देखो बेटा, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, हम लोग पूरे सरफेस फिनोमिनन की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल सीधी सी बात अगर मैं करूँ, अगर आप लोगों ने चौक को इंक में डिप करा और इंक के बाहर निकाला, तो आप सब लोग ये बात जानते हो कि जो भी इंक के पार्टिकल्स हैं, जो भी इंक के ड्रॉपलेट्स हैं, वो चौक की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएंगे, लेकिन चौक के अंदर बल्क में नहीं जा पाएंगे. सो बेसिकली चौक के सरफेस के ऊपर इंक का चिपक जाना और उसके बल्क में नहीं जाना इज कॉल्ड ए सरफेस फिनोमिनन, जो सिर्फ सरफेस सरफेस पर हो. एंड स्टडी ऑफ सच फिनोमिनन्स इज कॉल्ड एज सरफेस केमिस्ट्री. क्या बात समझ में आ गई? तो इन चीजों की स्टडी को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं. सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों आप लोगों को पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन. अब ये टर्म आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि इसके अंदर टर्म आ रही है एडसॉर्प्शन के अंदर, डी वाला है बच्चे, एब्जॉर्प्शन नहीं है ये क्या है, एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एडसॉर्प्शन एक कैसा फिनोमिनन होता है, बेसिक सा, इट इज जस्ट अ सरफेस फिनोमिनन. ये एक सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस फिनोमिनन इन विच, एक ऐसा सरफेस फिनोमिनन इन विच अ सब्सटेंस, इन विच अ सब्सटेंस, इसके अंदर कोई भी एक सब्सटेंस डिपॉजिटेड और अटैच, या तो डिपॉजिट होगा या तो अटैच होगा. कहां पर? ऑन द सरफेस. कहां पर? सरफेस पर. ऑन द सरफेस ऑफ अनादर सब्सटेंस, किसी और सब्सटेंस की अनादर सब्सटेंस, पहले मैं लिख लेता हूं, ऑन द सरफेस ऑफ अनादर सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस के सरफेस पर डिपॉजिट होगा, उसको एड्सॉर्प्शन बोलेंगे. एग्जाम्पल यहां पर मैंने क्या बोला था आपको, इंक किस पर डिपॉजिट हो रही है, इंक डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ चौक, चौक की सरफेस पर किसका जमा हो जाना, इंक का जमा हो जाना, इट इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? दूसरी टर्म जो हमारे सामने आती है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडसॉर्बेट. एंड एक और टर्म आती है इससे मिलती जुलती, एडसॉर्बेंट. क्या आप ये सब लोग जानते हो कि मैं इंदौर महू को बिलोंग करता हूं, और इंदौरी भाषा में हम किसी को जब बोलते हैं कि आइए बैठिए, आइए तशरीफ रखिए, प्लीज बी सीटेड, आओ पधारो विराजो, हम बैठो बोलते हैं. हम बैठो भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं बैठ, आजा बैठ जा, बैट 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 बैट, वो चमगादड़ वाला बैट, क्रिकेट वाला बैट. तो हम बैट ठ ठ नहीं बोलते, हम ट बोलते हैं, बैट. तो मृत्युंजय सर कहां से बिलोंग करते हैं? इंदौर से. इंदौर में बैठने को क्या बोला जाता है? बैट 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 बैट, एडसॉर्बेट. समझ में आ रही है बात? तो एडसॉर्बेट का मतलब क्या होगा? एडसॉर्बेट वो सब्सटेंस होगा दैट अटैचेस टू द सरफेस, दैट अटैचेस टू द सरफेस, मतलब कि सरफेस के ऊपर, किसी की सरफेस के ऊपर आकर जो सब्सटेंस बैठता है उसे एडसॉर्बेट बोला जाता है. तो किसकी सरफेस पर आकर बैठेगा? एडसॉर्बेंट की सरफेस पर आकर बैठेगा. तो व्हेन एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट डिपॉजिटेड और अटैचेस टू द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, टू द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, यानी कि एडसॉर्बेंट वो होता है जिसकी सरफेस के ऊपर एडसॉर्बेट आकर बैठे, वो एडसॉर्बेंट. और एडसॉर्बेट वो सब्सटेंस जो एडसॉर्बेंट के ऊपर जाकर बैठे. समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो यहां पर आपका इंक क्या हो गया?
क्योंकि इंक चौक की सरफेस के ऊपर जाकर बैठ रहा है, इसलिए ये हो गया एडजॉर्बेट और चौक क्या हो गया एडजॉर्बेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी भी तरीके की? श्योर। अब हमारे पास में एक टर्म आती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बेटा क्या होता है? एक बल्क फिनोमिनन होता है। कैसा फिनोमिनन होता है? बल्क फिनोमिनन। बल्क फिनोमिनन के अंदर क्या होता है? जब आप स्पॉन्ज को लेट से जब आपने स्पॉन्ज को पानी में डुबो दिया तो पानी स्पॉन्ज की सरफेस पर भी रहेगा और उसके अंदर तक बल्क तक उतर के चला जाएगा। जब आप स्पॉन्ज को कट करोगे किसी भी एंगल से, किसी भी एरिया से, किसी भी जगह से स्पॉन्ज को काट के देखो, आपको अंदर पानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी बल्क तक उतर चुका है। इसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। क्या बात समझ में आ रही है? इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं? एब्जॉर्प्शन क्लियर है? तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या फर्क है? एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिनन है, एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है। क्या ये चीज हम लोगों को क्लियर हो रही है? फिर हमारे पास में एक टर्म आती है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन बेटा, डिसॉर्प्शन इज द अपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या होता है इसके अंदर? व्हेन एडजॉर्बेट, जब आपका एडजॉर्बेट लीव्स यानी छोड़कर चला जाए, द एडजॉर्बेंट, जब एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट को छोड़कर चला जाता है तो एड्सॉर्प्शन खत्म हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? फिर एक टर्म हमारे पास में आती है सॉर्प्शन। क्या टर्म आती है हमारे पास में? सॉर्प्शन। नाउ व्हाट इज सॉर्प्शन? सॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्हेन एड्सॉर्प्शन यानी जब एड्सॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन दोनों, एड्सॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करो, आप पानी के अंदर कलर घोलो और उस कलर के अंदर स्पॉन्ज को डुबा दो, तो जो कलर के पार्टिकल्स होंगे वो स्पॉन्ज की सिर्फ सरफेस पर ही एड्सॉर्ब होंगे, तो ये हो गया एड्सॉर्प्शन। लेकिन कलर के साथ साथ जो पानी है वो पानी अंदर पेनिट्रेट करता हुआ स्पंज के बल्क तक चला जाएगा, क्योंकि पानी तो अंदर जा सकता है, तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। तो जब आप कलर्ड वाटर में स्पंज डुबाओगे तो स्पंज के सरफेस पर दिखेगा कलर और जो पानी है वो अंदर चला जाएगा। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। फटाफट से इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट लो जरा अच्छे तरीके से, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी भी तरीके की? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? अब अपन एड्सॉर्प्शन कहाँ कहाँ यूज होता है फटाफट से इसकी बात कर लेते हैं। जब आप लोग कोई मार्केट से जैसे बॉटल खरीद के लाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल जब मार्केट से आप इस तरीके की बॉटल खरीद के लाते हो, इस बॉटल के अंदर आप लोगों को एक छोटा सा सैशे मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा ये बैग है, दिस इज माय डीएसएलआर बैग। जब मैं इस बैग को मार्केट से खरीद के लाता हूँ तो इस बैग के अंदर भी मुझे छोटा सा एक सेशन मिल रहा था, वो सेशन भी मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ। यहाँ पर कुछ मुझे दिख गया है, इधर आ रहे, ये देखो, ये इस तरीके का एक सेशे आपको मिलता है, ये देखो दिस इज सेशे। अगर आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा हो तो इसके ऊपर लिखा हुआ है सिलिका जेल, सिलिका जेल। और ये सिलिका जेल का सेशे मेरे बैग के अंदर क्यों पड़ा हुआ है? टू अब्सॉर्ब, नॉट अब्सॉर्ब, टू एडजॉर्ब द मॉइस्चर। क्यों? क्योंकि DSLR जो है हमारा कैमरा, हमारा लैपटॉप, हमारा ये बोया माइक, ये जो माइक्स वगैरह दे ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अभी इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है तो बेटा मॉइस्चर लग लग के ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो जाते हैं। तो ये सिलिका जेल, जरा सा सिलिका जेल क्या करेगा? उस बैग को जब मैं एयर टाइट बंद कर दूंगा तो अंदर जितना मॉइस्चर इंट्रैप्ड हो गया है वो सारे मॉइस्चर को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगा। तो सिलिका जेल क्यों बैग्स के अंदर आता है? टू एड्सॉर्ब द मॉइस्चर। बॉटल्स के अंदर सिलिका जेल का सैशे क्यों आता है? टू एड्सॉर्ब द मॉइस्चर एंड बैड ऑर्डर, जो बैड ऑर्डर जो बॉटल्स के अंदर कभी इकट्ठी हो जाती है उसको रिमूव करने के काम में आता है। एनिमल चारकोल अगर आपने सुना हो, अगर आपने चारकोल सुना हो तो उसका काम क्या होता है? जब आप शक्कर बनते हुए कभी देखोगे तो शक्कर बनती है गन्ने के रस से, गन्ने के रस को जब शक्कर में बनाया जाता है तो शक्कर का कलर बिल्कुल ऐसा होता है जो आप सुबह सुबह करके आते हो वॉशरूम में। आई नो बड़ा गंदा एग्जांपल था, बट कुछ ऐसा ही वो उसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखती है और वो इतने गंदे तरीके से बनती है कि आप शायद कभी खाए नहीं।
तो शक्कर के गंदे कलर को डी कलराइज करने के लिए शक्कर को वाटर में डिजोल्व करके चारकोल के ऊपर से ऐसे ऐसे फ्लो कराया जाता है। तो चारकोल क्या करता है, शक्कर के अंदर जो कलर है उसको अपनी सरफेस पर अड्सॉर्ब कर लेता है और शक्कर को ट्रांसपेरेंट कर देता है। तो ऐसे ढेर सारे यूजेस है। अगर आप लोगों ने क्लास 11th में जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो, जब उन्होंने कैथोड रे ट्यूब बनाई थी तो उन्होंने उसके अंदर वैक्यूम बनाया था, वैक्यूम के लिए उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया था। तो बेटा वैक्यूम पंप का काम क्या, अंदर की सारी एयर को बाहर फेंक देना, लेकिन उसके बाद भी एयर के कुछ मॉलिक्यूल अंदर रह जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए भी एनिमल चारकोल या सिलिका जेल का इस्तेमाल किया था, जो बची कुची एयर को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब करके कंप्लीट वैक्यूम बना सकता है। तो ऐसे ढेर सारे हमारे पास में एग्जाम्पल होते हैं एड्सॉर्प्शन के। ठीक है, तो गाइज ये था इंट्रो, कुछ इसको नोट करने के बाद फटाफट बात करेंगे इसके आगे की कि एड्सॉर्प्शन कितने तरीके का होता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा आप लोगों ने, गुड।